नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके राशि के पंचम भाव पर शत्रु राशिगत राहु का गोचर हो रहा है और यही राहु जब 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार का विशेष बदलाव देखने के लिए मिलेगा, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वर्तमान समय में राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर चांडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव या किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, यह जानकारी हमको समय से पहले क्यों दी जा रही है। धनु राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में वर्णित है कि जब भी लंबी समयावधि में गोचर करने वाला ग्रह, जैसे शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो लंबे समय तक गोचर करने वाला ग्रह जब अपनी राशि को परिवर्तित करता है तो उसका जो प्रभाव है 1.25 महीने पहले ही मिलना शुरू हो जाता है, सकारात्मक या तो नकारात्मक। ऐसे में राहु का परिवर्तन तो अक्टूबर में होगा लेकिन 1.25 महीने पहले यानी सितंबर की शुरुआत से ही यह विशेष असर आपके जीवन में डालने लगेंगे और सभी राशि को डालने लगेंगे। तो यदि आप आने वाले समय की परिस्थिति को पहले ही समझकर अपने आप को व्यवस्थित करके प्लानिंग करते हैं तो आने वाले समय में बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं और आप सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, आपकी जो राशि है भचक्र मंडल की नवम राशि मानी जाती है और आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि में होने की वजह से आप लोगों के अंदर यानी धनु राशि के अंदर विचारधारा में एकाग्रता, ईमानदारी और मन में धार्मिक स्वभाव होता है। किसी भी क्षेत्र में जब आप निर्णय लेते हैं तो आप किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति होने के बावजूद भी अपने निर्णयों में अडिग रहते हैं और मेहनत करके सफलता अर्जित करते हैं। धनु राशि अग्नि तत्वी राशि है इसलिए स्पष्टवादी स्वभाव आपका होता है, मन में उत्साह होता है और जीवन में ईमानदारी के साथ मेहनत पूर्वक सफलता अर्जित करते हैं। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातक अति महत्वाकांक्षी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कई क्षेत्रों की जानकारी इनके पास होती है, तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप संलग्न होते हैं तो उसमें उत्साह बनाकर चलने में सफल रहते हैं और सफलता भी अर्जित करते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी पिछले 16 महीने से राहुदेव शत्रु राशि में और आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 2023 में राहु, चूंकि जैसे गुरु बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ तो राहु देव गुरु के साथ चांडाल योग का भी निर्माण किए, तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को पंचम भाव पर, चूंकि पंचम भाव पर गुरु चांडाल योग बना हुआ था तो शिक्षा में संतान को लेकर विशेष समस्याएं मिली। शिक्षा में आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद विद्यार्थियों को नकारात्मक प्रभाव मिला। वहीं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आय के साधनों में कमी काफी ज्यादा देखने के लिए मिली। इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लग जाना, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आप एक बेहतरीन बुलंदी पर मौजूद थे लेकिन जैसे ही राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर प्रभावी हुआ आपके जीवन में निचस्त स्थितियों का निर्माण हुआ। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का संयोग कम हुआ, पिता को कष्ट हुआ, पितातुल्य लोगों को कष्ट हुआ, चूंकि नवम भाव पर राहु का प्रभाव पड़ रहा था
तो ये धर्म कर्म से भी आपका मन हटा है और पिता को भी परेशानी हुई, पिता से भी संबंध खराब हुआ। वहीं राहु देव आपके राशि के इस समयावधि में लगन पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, तो मन में टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, क्रोध और मनोबल में कमी, ये सारी समस्याएं आपके मन में भी स्थिति बनाई और मानसिक रूप से समस्याएं आपको हुई। अब यही राहु 30 अक्टूबर 2023 की दोपहर में 2:13 पर मीन राशि में जाएंगे और आपके राशि के पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे, तो कई क्षेत्रों में आपको बेहतर स्थितियां मिल सकती है। धनु राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें तो आपके ऊपर ज्यादा सटीक बैठेगा। धनु राशि वाले जातकों, राहु देव जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मकता मिलने वाली है। देखिए, आपके मन में चूंकि लगन पर राहु की दृष्टियां पड़ रही थी तो सबसे पहले तो मन में आपको प्रसन्नता मिलने वाली है। यदि बार बार आपको हताशा हो रही थी, कर्म क्षेत्र में आपको निराशा हो रही थी, या किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप कार्य को जुड़कर कर रहे थे उसमें आपको कुछ समय के पश्चात मनोबल में आपको कमी देखने के लिए मिल रही थी, इससे निपटने में आपको विशेष राहत मिलने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष उपलब्धि की संभावना बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर प्रगति के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी या परिवार में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद बना हुआ था उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान समय में राहु का ही प्रभाव पूरे देश और दुनिया पर व्याप्त है, क्योंकि ये जो वर्तमान की जो गतिविधि बनी हुई है, हम सभी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और ये सभी राहु महाराज की ही देन है। धनु राशि के जातकों, यदि आप राजनीतिक जीवन से यदि आपका जुड़ाव है या विदेशों में रहकर कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या तकनीकी स्रोत मीडिया लाइन के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, सोशल मीडिया के क्षेत्रों में यदि आप कार्य कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को विशेष बदलाव के साथ उपलब्धि मिलने वाली है। उसके साथ साथ भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और जिसकी वजह से आप जीवन में धन प्राप्ति कई स्रोतों से कर सकते हैं। धन के मामले में आपको वृद्धि दिखाई देगी और गुरु का प्रभाव आपके लाभ भाव पर पड़ेगा, तो आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ मिलने वाला है। साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक गतिविधियों में काफी ज्यादा रुझान बढ़ेगा। नवीन तीर्थस्थल पर या नवीन यात्राओं पर जाने के अवसर आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, ये जो परिवर्तन है आपके जीवन में, विशेष रूप से वैवाहिक संबंधों में श्रेष्ठता आपको देगा। चूंकि राहु देव आपके राशि के स्वामी के साथ यानी गुरु चांडाल योग बना रहे थे और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, तो जब आपके राशि के स्वामी राहु के प्रभाव में थे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रिश्तों में कड़वाहट, खटास मिल रही थी। तो वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो रिश्तों में आपको विशेष आकर्षण बढ़ेगा, पत्नी का या स्पाउस का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिल सकता है और जीवन साथी की जो भागीदारी है वो आपके ऊपर काफी बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलेगी। जीवन साथी आपके प्रति काफी समर्पित रहने वाले हैं। तो ये सारा शुभ प्रभाव आपके जीवन में राहु का परिवर्तन देने वाला है। अब यदि आपके ऊपर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है या उम्र के 42वें 43 वर्ष में यदि आप चल रहे हैं, तो दो विशेष उपाय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना बेहतर है। खासतौर से सोमवार के दिन यदि आप नारियल अर्पित करते हैं भगवान शंकर को तो राहु जनित दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा।
उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप सफाई कर्मचारी को लाल मसूर कुछ मात्रा में दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।